आकाश शोक वेडिंग रिसेप्शन के इस फोटो में ऐसा क्या है, दुखी हो गए वरुण धवन। उद्योगपति मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के बेटे आकाश अंबानी और श्लोक मेहता की शादी के रिसेप्शन में बॉलीवुड के तमाम सेलिब्रिटीज शामिल हुए, मगर जश्न और खुशी के इस माहौल ने वरुण धवन को दुखी कर दिया। उन्होंने अपने इस दुख को सोशल मीडिया में बयां किया है। विवार रात मुंबई में आकाश श्लोका के वेडिंग रिसेप्शन की रौनक में बॉलीवुड सितारों ने चार चांद लगाए। इस पार्टी में वरुण के माता पिता डेविड धवन और करुणा धवन उनकी गर्ल फ्रेंड नताशा दलाल के साथ शामिल हुए। बस यही बात वरुण को चुभ गई कि उन्होंने अपने परिवार के साथ इस भव्य रिसेप्शन को मिस किया। वरुण ने अपनी इंस्टा स्टोरी में डेविड, करुणा और नताशा का फोटो शेयर करके लिखा, मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ दिया और किसी और को गोद ले लिया है। वरुण की इस उलहना में दरअसल नताशा के लिए उनका प्यार ही छिपा है। साथ ही इससे बढ़कर उनके लिए खुशी की बात क्या होगी कि नताशा उनके माता पिता के साथ इतनी घुल मिल गई हैं। वरुण इस वक्त लंदन में हैं, जहां वो स्ट्रीट डांसर 3D की शूटिंग कर रहे हैं। वरुण और नताशा काफी अरसे से डेट कर रहे हैं। वरुण के बॉलीवुड डेब्यू से पहले से ही नताशा उनके साथ हैं। दोनों ने अपनी रिलेशनशिप को कभी छिपाया नहीं। दोनों अक्सर साथ में हैंग आउट करते देखे गए हैं। दोनों के जल्द शादी करने की खबरें भी अक्सर आती रहती हैं। ताज़ा खबर के अनुसार वरुण और नताशा इस साल दिसंबर में शादी कर सकते हैं। खुद वरुण कुछ इंटरव्यूज में इस बात को स्वीकार कर चुके हैं। वरुण ने नताशा के बारे में कहा था कि नताशा की अपनी खुद की आवाज़ है और वो जो करना चाहती हैं उसके लिए काफी मजबूत रहती हैं। वरुण ने कहा कि पार्टनर होने के नाते वो नताशा की इसी खूबी को सपोर्ट करना चाहते हैं। वरुण अब करण जौहर की फिल्म कलंक के जरिए बड़े पर्दे पर नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में वो आलिया भट्ट के साथ री यूनाइट हो रहे हैं। संजय दत्त, माधुरी दीक्षित, आदित्य रॉय कपूर और सोनाक्षी सिन्हा भी स्टार कास्ट का हिस्सा हैं, जिसका टीजर रिलीज किया गया है।